हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप बाय स्टेप गार्डनिंग। देखिए फ्रेंड्स, मेरे गार्डन में जीनिया के कितने खूबसूरत फ्लावर्स खिल रहे हैं। हैवी फ्लावरिंग हो रही है, बहुत सारे फूल खिल चुके हैं इस प्लांट में। तो आज हम लोग जीनिया के प्लांट के बारे में ही बात करेंगे कि इस प्लांट में इस तरह से हैवी फ्लावरिंग कैसे हो रही, वो भी सेप्टेम्बर का महीना चल रहा है। ये प्लांट पूरे साल फ्लावरिंग करता है। जब मैंने अपनी लास्ट वीडियो अपलोड की थी चैनल पे, तब आप लोगों को बताया था कि जीनिया एक पेरेनियल प्लांट होता है, पूरे साल आप इस प्लांट से फ्लावर ले सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है कि आपके गार्डन में पूरे साल ये जीनिया फ्लावरिंग करता रहे, यही इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। फ्रेंड, जब फर्स्ट राउंड के फ्लावर्स खिले थे, जिसकी वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, तो उसकी सीडलिंग मैंने फरवरी में किया था। फरवरी में सीडलिंग की थी और मार्च में उसके काफ़ी अच्छी जर्मिनेशन हुई थी, पौध तैयार हो गई थी। तो उस पर मेरी वीडियो है कि जीनिया का पौध कैसे तैयार करें, तो वो भी वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे जीनिया के केयर की वीडियो अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि इस प्लांट की केयर मैं कैसे करती हूँ, क्या फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ कि इसमें इतनी हैवी फ्लावरिंग हो रही है। तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं इसकी केयर की वीडियो। और उसके बाद उसने पूरे समर अच्छी सी फ्लावरिंग की, लेकिन इनकी स्टेम देखिए काफ़ी सॉफ्ट होती है, तो हैवी रेन में ये ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने भी नोटिस नहीं किया, मेरे गार्डन में बहुत सारे प्लांट है तो हर प्लांट पे ध्यान नहीं जाता। जुलाई अगस्त की बारिश में मेरे जो फर्स्ट राउंड के प्लांट थे, जिसके फ्लावर्स मैंने अप्रैल मई में लिए थे, वो ख़राब हो गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होती है हमारे ऋषिकेश में, तो डेली दिन भर रात भर बहुत हैवी रेन होती है, तो उस वजह से इनके स्टेम्स धीरे धीरे ख़राब हो गई थी। काफ़ी टाइम तक उस प्लांट ने भी मेरे गार्डन में फ्लावरिंग किए थे, लेकिन धीरे धीरे वो काफ़ी हाइट के हो गए थे और बस बारिश की वजह से वो ख़राब हो गए। तो मैंने क्या किया था, इसकी दोबारा से सीडलिंग कर ली थी और दोबारा से इनकी पौध तैयार कर ली। तो काफ़ी सारे प्लांट मेरे गार्डन में अभी भी तैयार हो चुके हैं और ये प्लांट काफ़ी लंबे समय तक फ्लावरिंग करते रहेंगे। इस तरह से आपको बार बार जीनिया की सीडलिंग करनी है, उनकी पौध बनानी है और उनसे फूल लेना है। इस तरीके से आप जीनिया के प्लांट से पूरे साल फूल ले सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, देखिए इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है, ये भी देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही, काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई। ये बुशी प्लांट है, ग्रीनरी भी देखिए कितने हेल्दी प्लांट है, और ये भी देखिए, और ये छोटा सा प्लांट है, इसकी भी ग्रोथ हो रही, देखिए कितने सारे ब्रांचेस बन के आई है, हर ब्रांच पे कलियां भी बन रही हैं और ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। देखिए मैंने दोबारा से इसकी सीडलिंग तैयार करके इसके पौध बनाए और ये वाले फूल अब खिलने शुरू हो गए हैं। तो मैंने क्या किया था, जब अप्रैल मई में फर्स्ट राउंड की फ्लावरिंग हुई थी जीनिया की, तो उसके जो फ्लावर स्पेंट हुए थे ना, ये 20-25 दिन तक खिले ही रहते हैं जीनिया के फ्लावर, तो जब वो स्पेंट हुए थे तो उसकी मैंने दोबारा से सीडलिंग करके ये वाली पौध तैयार कर ली थी और धीरे धीरे इसमें जर्मिनेशन हो गई। देख सकते हैं ये कोकोपीट में मैंने लगाया हुआ है, तो जो कोकोपीट होता है उसमें किसी भी सीड्स की जर्मिनेशन बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह मैंने जीनिया के सीड्स दोबारा से ग्रो कर लिए थे ताकि आगे भी मेरे गार्डन में फ्लावर खिलते रहें, क्योंकि हैवी रेन में मेरे जीनिया के फ्लावर धीरे धीरे ख़राब हो गए थे। तो इस तरह ये इसमें पौध तैयार हो गई थी। तो जो इसमें हेल्दी प्लांट बन के आए थे, सबसे पहले जिनकी ग्रोथ हो गई थी, उसको मैंने लगाया था, तो ये वाले देखिए फूल कितने अच्छे खिलने शुरू हो गए हैं। और सेकेंड राउंड में जो इसी वाले पॉट में प्लांट तैयार हुए थे, उसको मैंने ये वाला लगाया। तो देखिए इनमें तो आपको हैवी फ्लावर्स दिख रहे हैं, लेकिन इसमें अभी बडिंग स्टार्ट हो रही है, फूल धीरे धीरे इसमें भी खिलने लगेंगे। तो ये सेकेंड राउंड के लिए, और ये देखिए ये भी काफ़ी हेल्दी प्लांट हो गया, इसमें भी देखिए कलियाँ भी बन के आ रही हैं और एक कितना खूबसूरत सा एक फूल खिल रखा है, वो भी बिग साइज़ का। तो इस तरह मैं ये सीडलिंग तैयार कर चुकी हूँ और इससे काफ़ी समय तक फ्लावरिंग लेती रहूँगी। अब मैं क्या करूँगी, जो ये बचे हुए प्लांट हैं उनको भी मैं पॉट में शिफ्ट कर दूँगी, अच्छा सा सॉइल मिक्सचर बना लूँगी, उसमें अच्छे से कंपोज ऐड करके और इन्हें शिफ्ट कर दूँगी। तो क्या होगा, जब तक इस वाले प्लांट में फ्लावर्स होंगे तब तक ये वाला प्लांट तैयार हो जाएगा। अभी इस प्लांट में काफ़ी समय तक फूल खिलेगा, लेकिन जब तक ये फ्लावर खिलने शुरू होंगे ना, तब तक ये वाले जो प्लांट है इसमें फ्लावर्स कम हो जाएंगे, तो फिर से मेरे गार्डन में ये फूल खिलेंगे और ये विंटर में मुझे फ्लावर्स देंगे, अक्टूबर में नवंबर में इनमें फ्लावरिंग होगी। तो इस तरह से मैं जीनिया के फ्लावर्स पूरे साल अपने गार्डन में ले सकती हूँ। तो आप भी ये तरीका अपनाएंगे ना, तो इस तरह से आपके गार्डन में हैवी फ्लावरिंग होगी, पूरे साल फूल खिलते रहेंगे जीनिया के, और आपके गार्डन की जो ब्यूटी है वो बरकरार रहेगी जीनिया के फूलों की वजह से। तो आप भी इस तरह से सीडलिंग करें, दो बार तीन बार आप इसकी सीडलिंग कर लें, जीनिया की सीड्स बहुत तेजी से जर्मिनेट हो जाते हैं। अगर आप कोकोपीट में सीडलिंग करते हैं तो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज नॉर्मल सॉइल में भी करेंगे तभी भी जर्मिनेशन हो जाती है, बस थोड़ा सा लेट होता है।
तो इस तरह आप सीड्स तैयार करते रहें और उससे फ्लावर्स लेते रहें और प्लांट की केयर करते रहें, तो जैसे मेरे गार्डन में देखिए कितने खूबसूरत फूल खिल के आ रहे हैं। ये देखिए इसमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है और धीरे धीरे बर्ड्स भी बनते जा रहे हैं। एक हफ्ते में ये भी जो पॉट है वो भी फूलों से भर जाएगा। और ये जो प्लांट है देखिए, ये कुछ अलग कलर है, कुछ रेडिश कलर में है। ये वाला पहले मेरे पास नहीं था, फिर मैंने दोबारा जो मेरी नेबर है उनसे ये वाला फ्लावर लिया और इसकी सीडलिंग करके प्लांट तैयार किया, तो इसमें भी रेड कलर फ्लावर खिलने लगे हैं। और ये देखिए कुछ ऑरेंज कलर के हैं और ये येलो कलर के हैं। तो अब मेरे गार्डन में 3 कलर्स के जीनिया फ्लावरिंग कर रहे हैं और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब धीरे धीरे समर भी ख़त्म हो गई, रेनी सीजन भी ख़त्म हो रही है, तभी भी मेरे गार्डन में जीनिया के फूल खिलते ही रहेंगे। कुछ लोगों को लगता है कि जीनिया सीजनल प्लांट होता है, बस समर फ्लावरिंग करता है, लेकिन मेरे गार्डन में ये जीनिया विंटर में भी फ्लावरिंग करता रहेगा, जब मैं ये वाले पौध को तैयार करूँगी जो कि अभी छोटे से कंटेनर में है और इसकी छोटी छोटी पौधे। तो इस तरह आप भी करेंगे ना फ्रेंड, बहुत ईजी तरीका है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे ये फ्लावरिंग हो रही है तो इसके फूल जैसे स्पेंट होंगे आप इसकी सीडलिंग कर दीजिए और यही फूलों की सीडलिंग से प्लांट तैयार हो जाते हैं। मैंने खुद भी ऐसे ही ये वाला प्लांट तैयार किया है। तो इस तरह आप जीनिया से पूरे साल फूल ले सकते हैं जैसे मैं ले रही हूँ। तो बस मैंने सोचा आप मेरे गार्डन में जीनिया के फ्लावर खिल रहे हैं तो मैं भी दोस्तों से एक वीडियो बना के शेयर कर दूँ कि ये वो भी ये तरीका अपना कर अपने गार्डन में जीनिया के फ्लावर्स पूरे साल लेते रहें। अच्छा लगता है जब हमारे गार्डन में इस तरह के खूबसूरत फ्लावर्स खिलते हैं, मन भी खुश हो जाता है और गार्डन भी अच्छा लगता है, तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। देखिए ये कुछ रेडिश कलर के फ्लावर हैं, ये येलोइश कलर के, तो सब मैंने मिक्स करके लगा दिया है, साथ में फूल खिलते रहते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो अब बस ऐसे ही फूल खिलते रहेंगे और बार बार मैं इसकी सीडलिंग करती रहूँगी और मेरे गार्डन से कभी भी जीनिया दूर नहीं होगा, हमेशा मेरे साथ रहेगा, मेरे गार्डन की ब्यूटी बढ़ाता रहेगा। तो मुझे यकीन है ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी आपको और ये जीनिया से फूल लेने का तरीका तो पक्का पसंद आएगा, क्योंकि ये तरीका थोड़ा सा यूनिक है। तो अगर आपको पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल बटन भी प्रेस कर दीजिए, तभी मेरी वीडियो आप तक पहुंच पाएगी और आप उसे देखकर अपने प्लांट की केयर कर पाएंगे और इस तरह से जीनिया से फ्लावर ले पाएंगे, वो भी पूरे साल। तो बस फ्रेंड, जल्दी ही किसी नए टॉपिक पे आप लोगों से फिर मुलाकात करूंगी, तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने गार्डन का भी। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड, टेक केयर।